नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेघा के स्मार्ट गार्डन में। ये देखिए, ये हिबिस्कस की जो कटिंग मैंने आपको लगाना बताई थी, इस तरह से इसमें रूट बन गई है और ये अब रिपोर्टिंग के लिए तैयार है। और यहाँ पर लगे हैं बहुत ही सुंदर फूल, कांटे वाले, जो इनको कंटारा प्लांट बोलते हैं। कंटारा और मतलब इसमें कांटे कांटे ज़्यादा होते हैं, लेकिन फूल बहुत ही सुंदर होते हैं। और ये देखिए कितने सुंदर फूल, और ये शंकर भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय जो है इसके फूल होते हैं। सोने के बराबर इन फूलों को चढ़ाया जाता है, सोना मानकर। तो ये प्लांट आपके गार्डन में ज़रूर होना चाहिए, बहुत ही सुंदर फूल खिलते हैं। एक जोड़ा में मेरा प्लांट पूरा ख़त्म हो चुका था, लेकिन थोड़ी सी देखभाल के साथ प्लांट भी ठीक हुआ है और फ्लावरिंग भी इतनी अच्छी सी हो गई है। तो प्लांट को कभी भी आप ख़राब होने लगे तो फेंकिए मत, पूरी कोशिश कीजिए कि हम उसको ठीक कर सकते हैं। अलमंडा ये वही प्लांट है जो मैंने आपको अभी अभी 8-10 दिन पहले रिपोर्ट करना दिखाया था, और देखिए फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। प्लांट की उस टाइम पे कंडीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन अच्छी रिपोर्टिंग के साथ मेरा प्लांट बहुत अच्छा हेल्दी हो गया है और फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। तो दोस्तों, मेहनत हमारी होती है और बढ़ना इन पौधों का काम होता है। तो ये टिकोमा ये भी मैंने आपको दिखाया था। आज मैंने ये जो अभी पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि क्रोटन को मैंने कटिंग से ग्रो किया था, और ये क्रोटन की कटिंग मैंने आपको दिखाई भी थी, तो मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया है। और साथ में ही ये जो कमल का प्लांट है जो मैंने 20 से ग्रो किया था, पहले छोटे प्लांटर में था, अब मैंने थोड़े बड़े प्लांटर में इसको शिफ्ट कर दिया है। तो इन दोनों को मैंने रिपोर्ट कर दिया है। बहुत ज़रूरी होता है प्लांट को उनके हिसाब से प्लांटर में बदलना, खाद वगैरह देना। तो यही सारा काम। और ये देखिए, सितंबर के महीने में अनगिनत काम होते हैं, स्प्रिंकल टाइम चल रहा है। और ये देखिए रूट बॉन्ड हो गई थी इस प्लांट की, ये हिबिस्कस का प्लांट है, और हिबिस्कस के बहुत सारे प्लांट है, सारे बहुत हेल्दी है, इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है इसके बाद भी। तो अब मैं इसको थोड़ा सा इसकी रूट वगैरह सारी हटा देती हूँ। और ये है केवड़ा का प्लांट जो इतना बड़ा हो गया है, अब इसको थोड़ा सा बड़ा प्लांटर में दे देती हूँ। केवड़ा वैसे घर में फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लांट होता है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि प्लांटर में भी इसमें फ्लावरिंग हो। ये सारे प्लांट मैंने इनमें फर्टिलाइज़र वगैरह दे दिया है, तो थोड़े थोड़े धीरे धीरे काम निपटता जा रहा है। और यहाँ पर वापस से फ्लावरिंग शुरू हो गई है। ये है वाइट कलर का कनेर का प्लांट, थोड़े से रुक कर जैसे बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही थी, फिर थोड़े सा कट वगैरह लगा दिया था, मतलब मैंने हल्की सी पिंचिंग प्रूनिंग सारे प्लांट की है। ये देखिए यहाँ पर ये सारे प्लांट इस तरह से वापस ग्रो हो गए हैं, मैंने इन सबको प्रून कर दिया था, पिंच नहीं प्रून किया था। पिंच में क्या हो जाता है, हम एक दो पत्तियाँ निकालते हैं, प्रून में टहनियाँ काटनी होती है, तो वो मैंने कर दिया था। तो वापस इतनी अच्छी सी ग्रोथ हो गई है ये सारे प्लांट, अभी इनको सभी को मुझे खाद देना है। अगेव प्लांट बहुत धीरे धीरे ये इसके फ्लावर आएंगे, और ये देखिए कितने सुंदर से लग रहे हैं। और ये एक जोरा मैं आपको बताती हूँ कि ये एक और एक जोड़ा है ये, और ये यहाँ पर लगा है। सारी कटिंग मैंने रिपोर्ट कर दी है, अभी तो फ़िलहाल मेरे पास पॉट नहीं थे, तो मैंने छोटे छोटे जो पॉलीथीन रखी थी उनका यूज़ भी हो गया है, और मेरे प्लांट भी रिपोर्ट हो गए। जब भी प्लांटर आएंगे मैं उनमें उनको शिफ्ट करती जाऊँगी। ये देखिए सारी पॉलीथीन का यूज़ हो गया है, और कनेर वापस से अपनी ब्लूमिंग पर आ गया है। तो कनेर इतना अच्छा प्लांट है, हार्डी प्लांट है, ये प्लांट रूट बॉन्डिंग भी हो जाती है तो भी फ्लावरिंग करता रहता है। और जीनिया है, और कॉस्मोस है, और मेरी गोल्ड है, और गुलदावरी है, और ना जाने कितने प्लांट मैंने रिपोर्ट कर दिए हैं यहाँ पर। अब इनका टाइम जाने वाला है पर्सनल पोर्चुलिका का, तो मैंने सारे कट करके इनको यहाँ का एरिया दे दिया है। वैसे यहाँ पर भी बहुत अच्छी धूप आती है, और ये देखिए ये प्लांट कितने अच्छे से इसमें कलियाँ बन रही है, फ्लावरिंग हो रही है। और कैलेंचो प्लांट और बिना मेरे फर्टिलाइज़र के बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। ये प्लांट मैंने, ये कटिंग मैंने अभी एक दो दिन पहले ही लगाई है, तो एक दो दिन में कोई रूट नहीं बनती है कोई से प्लांट में। ये पत्थर चट्टा, लेडी पत्थर चट्टा बोलते हैं इसको, तो इसको मैंने थोड़ा सा दूसरा प्लांट दे दिया है। और ये देखिए थोड़े थोड़े अभी पर्सलेन पोर्चुलिका में फ्लावरिंग हो रही है। ये कॉस्मोस और ये सारे प्लांट आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सारे प्लांट चल रहे हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा धूप हो गई है हमारे यहाँ,
बारिश वगैरह तो एक आध बार हुई है, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। और ये देखिए ना जाने काय के प्लांट इतने सारे ग्रो हो गए हैं, और ये यहाँ पर भी देखिए कितने अच्छे से वापस ये प्लांट ग्रो हो रहे हैं। मैंने इनको कट कर दिया है, जो हाइब्रिड विनका है वही है ये, और देसी विनका सारे मैंने हटा दिए हैं, क्योंकि देसी विनका के जहाँ जहाँ बीज गिरे होंगे वापस से ग्रो हो जाएंगे। और ये यहाँ पर तुलसी जी के प्लांट और ये सारे प्लांट मैंने थोड़े ठीक किए हैं, इन पे से जो सीड बन रहे थे वो सारे हटाए हैं, बहुत ज़रूरी होता है। और जीनिया के भी इतने सारे प्लांट हो गए, मैं रिपोर्ट कर करके थक गई हूँ। फिलहाल मैं सबको देती जा रही हूँ, मेरे पास वाली छत पर पे आप देखेंगे ढेर सारे प्लांट हो गए हैं, कभी दिखाऊँगी मैं। और ये देखिए कड़ी पत्ता कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है, और कुछ पर्सले ये जो गडलिया प्लांट है ये कुछ फ्लावरिंग हो रही है, वैसे इसमें 12 महीने ही फ्लावरिंग होती है। और यहाँ पर मैंने कुछ विंटर के सीड्स जो है पिछले साल से मैंने संभाल कर रखे थे, जो फ्लावर में से ही निकलते तो वे मैंने ग्रो कर दिए थे, तो ये देखिए कुछ ग्रो भी हुए हैं। अब देखते हैं, विंटर के प्लांट के सीड बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। और ये टच मी नॉट, ये भी मैंने लाजवंती का प्लांट बीज से ग्रो किया है, कितना अच्छा सा ग्रो हो गया है, इतना हेल्दी प्लांट और इतनी शर्मिला सा प्लांट है, बहुत ही प्यारा लगता है, और इसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो अगर अच्छे से चल पाए तो पूरा बड़ा प्लांट भी आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन जितने भी बीज ग्रो किए थे सारे के सारे बीज ग्रो हो गए, और मुझे तो बहुत ही पसंद आता है ये प्लांट। और आपने कभी कोलियस को बीज से ग्रो किया है? ये देखिए कोलियस मेरे बीज से ग्रो हुआ है, और बहुत अच्छे से इसमें प्लांट निकल कर आ गया है। जो बीज वगैरह निकलते हैं मैं इनको डीकम्पोस्ट के लिए डाल देती हूँ, तो उसमें से ही प्लांट निकल आए हैं। पारिजात, चमेली और चांदनी सारे प्लांट इतनी अच्छी हेवी ब्लूम कर रहे हैं। अभी तो मैंने पारिजात में जो है फर्टिलाइज़र भी नहीं दिया है, लेकिन देखिए दोस्तों कितनी ढेर सारी कलियां बन रही है। तो बहुत सारे प्लांट अपने जो मौसम के हिसाब से फ्लावरिंग भी करते हैं, लेकिन थोड़ा मैं लेट भी हो गई हूँ क्योंकि प्लांट बहुत ज़्यादा है, और प्लांट के हिसाब से अगर आप देखें तो मुझे पूरा 1-2 महीना लग जाता है, अगला सीज़न आ जाता है, लेकिन फिर भी मेरे प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते रहते हैं, क्योंकि मैं नीचे इनमें बहुत अच्छा सा जो किचन वेस्ट होता है वो डाल देती हूँ, तो वो धीरे धीरे डीकम्पोस्ट होता रहता है और मेरे खाद का काम भी करता रहता है। वाइट अपराजिता में वापस से फ्लावरिंग शुरू हो गई है, मैंने आपको दिखाया था, ये मैंने पूरे कट कर दिए थे अपराजिता के प्लांट, तो वापस से इनमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो दोस्तों यही चीज़ें मैं आपके साथ बार बार शेयर करती हूँ कि बिल्कुल भी मत डरिए पिंचिंग प्रूनिंग से प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं, और इनकी ग्रोथ आप देखेंगे 4 गुनी हो जाती है, और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है, कितने ही पुराने प्लांट क्यों ना हम। और यहाँ पर रात रानी का प्लांट है, बारिश के टाइम पे इन्हें बहुत ज़्यादा हेवी ब्लूमिंग की थी, तो मैंने इनको अब रेस्ट दे दिया है, तो सारे प्लांट मैंने कट कर दिए हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से वापस से ग्रोथ हो गई है, मेरे यहाँ प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ हो जाती है, और सारी कटिंग जितनी भी मैं लगाती हूँ 100% रिजल्ट के साथ ग्रो होती है। मैंने आपके साथ शेयर भी की है बहुत सारी कटिंग। ये देखिए मैक्सिकन पिटोनिया छोटे से प्लांटर में पिंक कलर इतना अच्छे से खिल रहा है, और मैक्सिकन पिटोनिया मेरे पास इतने ज़्यादा है कि मुझे हटा हटा के मैं थक जाती हूँ। बीज से बहुत आसानी से कटिंग से बीज से ग्रो हो जाते हैं, आप यकीन मानेंगे, मैं एक एक प्लांट लेकर आई थी, अभी मेरे पास 100-100 प्लांट होंगे इसके, तो मैं इनको वापस डिकम्पोज होने के लिए डाल देती हूँ, मेरे खाद भी तैयार हो जाती है। रेले कीपर इसको तो मैं स्टैंड वगैरह भी नहीं दे पाई, लेकिन दोस्तों इसी में इसमें इतनी अच्छे से फ्लावरिंग हो जाती है, और ये देखिए फ्लावर। तो धन्यवाद दोस्तों आपका।